काफी समय से ये रूमर्स फैले हुए हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी ठीक नहीं चल रही है। अनंत अंबानी की शादी में अकेले शामिल होने से लेकर अपनी बेटी आराध्या के साथ छुट्टियां मनाने के लिए न्यूयॉर्क जाने तक ऐश्वर्या ने अभिषेक संग अपने तलाक के रूमर्स को हवा दे दी है। वहीं अभिषेक बच्चन ने भी गृह तलाक पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करके इन अटकलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि हाल ही में अभिषेक बच्चन का एक फर्जी वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कि उन्होंने ऐश्वर्या के तलाक की पुष्टि की थी। वहीं अभिषेक को ऐश्वर्या और आराध्या के बिना पेरिस में चल रहे 2024 ओलंपिक के लिए भी देखा गया। इन सब के बीच पहली बार अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या संग अपने तलाक के रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है और डायवोर्स की अफवाह को खारिज कर दिया है। दरअसल बॉलीवुड यूके मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनके तलाक की अफवाहों के बारे में जब उनसे पूछा गया था तो इस पर एक्टर ने कथित तौर पर अपनी अंगूठी दिखाई और क्लियर किया कि वो अभी भी शादीशुदा है। अभिषेक ने यह भी कहा कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और एक सेलिब्रिटी होने के नाते मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाना चाहिए। अभिषेक ने कहा, मुझे इस बारे में आपसे कुछ भी नहीं कहना है। दुखी की बात यह है कि आप सभी ने पूरी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। मैं समझता हूँ आप ऐसा क्यों करते हैं। आपको कुछ स्टोरीज फाइल करनी होगी, ये ठीक है, हम सेलिब्रिटी हैं, हमें इसे लेना होगा और अभी भी मैं शादीशुदा हूँ, सॉरी। बताते चले कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को अब 17 साल हो चुके हैं और इस कपल की एक बेटी है आराध्या बच्चन। ये जोड़ा हाल के वर्षों में अपनी शादी की सुर्खियों से दूर रहता रखता था और दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बर्थडे एनिवर्सरी ही विश करते थे। हालांकि अंबानी फैमिली के फंक्शन में जब कपल साथ में नहीं पहुंचा तो इनके तलाक के रूमर्स तेज हो गए। वहीं जब अब जूनियर बच्चन के तलाक की खबरों को खारिज करने के बाद फैंस ने भी राहत की सांस ली है। फिलहाल आपके इस पर क्या कुछ राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।